मनुष्य कोई आत्मा नहीं, मनुष्य एक शारीरिक प्राणी है। इसलिए ईश्वर जब आकर मनुष्य से मिलते हैं, वह मनुष्य के शरीर को लेकर आते हैं, उसी के शरीर और रक्त को लेकर आते हैं। इसलिए प्रभु यीशु लोगों के बीच में रहा करते थे, उनके साथ भोजन किया करते थे, उनके सुख दुख में सहभागी होते थे, उन्हें गले लगाते थे, उन्हें चंगा करने के लिए स्पर्श करते थे। इसलिए हमारा शरीर एक महत्वपूर्ण एक अंश है। शरीर एक घर नहीं है, हम शरीर हैं। इसलिए पवित्र वचन हमें सिखाता है कि हम शरीर सहित पुनर्जीवित किए जाएंगे, हमारी आत्मा स्वर्ग नहीं जाएगी, हम अपने शरीर सहित, जैसे मां मरियम स्वर्ग में उठा ली गई थी, जैसे प्रभु यीशु स्वर्ग चढ़कर गए, उसी प्रकार हम शरीर के साथ स्वर्ग जाएंगे। आइए इस महत्वपूर्ण रहस्य को आज हम जानेंगे आज की साधना के द्वारा। आइए हम अपने आप को तैयार कर लें, अपना एक उचित स्थान जो आप तैयार करके रखे हैं वहां जाइए और अपने साथ पवित्र बाइबल, अपनी डायरी, पेन पेंसिल सब ले लीजिएगा। आइए अपना स्थान ग्रहण करिए, अपनी आंखों को बंद कर लीजिए और अपने आप को ईश्वर की उपस्थिति में रखिए। ईश्वर जो अपने रहस्यों को हम पर प्रकट करते हैं, उसके सामने अपने आप को उपस्थित रखिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक कदम है, एक कार्य है, इसलिए इसको पूरा करके ही आगे बढ़िएगा। आइए हम शुरू करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे परम पावन दयालु पिता, हम तेरी स्तुति और आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं, तेरा जय जयकार करते हैं। प्यारे पिताजी, आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर अवसर के लिए कि तू हमें अपने समीप, अपने पास बुलाकर हमसे बातें करने, हमें अपने रहस्यों को बताने, हमें स्पर्श करने, अपने आप को पूर्ण रूप से हम पर प्रकट करके हमें परिपूर्ण जीवन देने के लिए हमें आज यहाँ एकत्रित किया है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता, हमें अपना आत्मा प्रदान कर। हे पवित्र आत्मा आइए, तू हमारे शरीर में निवास करता है, अपने आशीषों से, अपने वरदानों से हमें भर दे, ताकि हम ईश्वर के वचन को ध्यान पूर्वक सुन सके, समझ सके और उसे शरीर दे सके। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, ईश्वर का जीवंत वचन, तो हमसे बातें करने के लिए शरीर धारण करके हमारे बीच में रहा और आज भी रहता है। तेरी उपस्थिति के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हमसे बातें करने की कृपा कर, अपने रहस्यों को हम पर प्रकट करने की कृपा कर। एक हमारी प्यारी मां मरियम, तू ईश्वरीय रहस्यों को अपने दिल में संजोए रखकर उस पर मनन किया करती थी, हमें भी सिखा। हे संत योसेफ, अन्य सभी संतों, स्वर्गदूतों, हमारे लिए प्रार्थना करिए, हमारा साथ दीजिए। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। आज के मनन चिंतन के लिए हम जो पाठ लिए हैं वो है संत योहन रचित सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 1-17, द गॉस्पल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन चैप्टर 9 वर्सेस फ्रॉम 1-17। रास्ते में ईसा ने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उनके शिष्यों ने उनसे पूछा, गुरुवर, किसने पाप किया था, इसने अथवा इसके मां बाप ने, जो यह मनुष्य जन्म से अंधा है? ईसा ने उत्तर दिया, ना तो इस मनुष्य ने पाप किया और ना इसके मां बाप ने, यह इसलिए जन्म से अंधा है कि इसे चंगा करने से ईश्वर का सामर्थ्य प्रकट हो जाए। जिसने मुझे भेजा हमें उसका कार्य दिन बीतने से पहले ही पूरा कर देना है। रात आ रही है जब कोई भी काम नहीं कर सकता। मैं जब तक संसार में हूं तब तक संसार की ज्योति हूं। उन्होंने यह कहकर भूमि पर थूका, थूक से मिट्टी सानी और वह मिट्टी अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जाओ सिलोआम के कुंड में नहा लो। सिलोआम का अर्थ है प्रेषित। वह मनुष्य गया और नहाकर वहां से देखता हुआ लौटा,
उसके पड़ोसी और वे लोग जो उससे पहले भीख मांगते देखा करते थे बोले, क्या यह वह नहीं है जो बैठे हुए भीख मांगा करता था? कुछ लोगों ने कहा, हाँ यह वही है। कुछ ने कहा, नहीं यह उस जैसा कोई और होगा। उसने कहा, मैं वही हूं। इस पर लोगों ने उससे पूछा, तो तुम कैसे देखने लगे? उसने उत्तर दिया, जो मनुष्य ईसा कहलाते हैं उन्होंने मिट्टी सानी और उसे मेरी आंखों पर लगाकर कहा, सिलोआम जाओ और नहा लो। मैं गया और नहाने के बाद देखने लगा। उन्होंने उससे पूछा, वह कहां है? और उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता। लोग उस मनुष्य को जो पहले अंधा था फरीसियों के पास ले गए। जिस दिन ईसा ने मिट्टी सानकर उसकी आंखें अच्छी की थी वह विश्राम का दिन था। फरीसियों ने भी उससे पूछा कि वह कैसे देखने लगा। उसने उनसे कहा, उन्होंने मेरी आंखों पर मिट्टी लगा दी, मैंने नहाया और अब मैं देखता हूं। इस पर कुछ फरीसियों ने कहा, वह मनुष्य ईश्वर के हाथ से नहीं आया है, क्योंकि वह विश्राम दिवस के नियम का पालन नहीं करता। कुछ लोगों ने कहा, पापी मनुष्य ऐसे चमत्कार कैसे दिखा सकता है? इस तरह उनमें मतभेद हो गया। उन्होंने फिर अंधे से पूछा, जिस मनुष्य ने तुम्हारी आंखें अच्छी की हैं, उसके विषय में तुम क्या कहते हो? उसने उत्तर दिया, वह नबी है। आइए हम इस पाठ को कम से कम 2-3 बार ध्यान से पढ़ लें। इसमें जो छोटी छोटी बातें छुपी हैं, उसको हमें समझना, याद रखना अनिवार्य है, इसलिए ध्यान से पढ़िए। हम साधना के प्रथम चरण में प्रवेश करते हैं। इस पाठ के बैकग्राउंड को हमें थोड़ा सा समझना जरूरी है। हमारे मनन चिंतन में जाने के पहले 40 समय ईश्वर इस पाठ को हमारे सामने इसलिए कलीसिया के द्वारा रखते हैं, वो भी एक रविवार के दिन, क्योंकि प्रभु येसु यरूशलेम की ओर जा रहे थे। उनकी घड़ी निकट आ रही थी। उनकी घड़ी संधियोगन के अनुसार वो मृत्यु की घड़ी, जब प्रभु येसु क्रूस पर अपने आप को बलि चढ़ाकर विजय हो जाएंगे। संधियोगन रचित सुसमाचार के अनुसार प्रभु येसु का विजय उत्सव उनका पुनरुत्थान नहीं है, बल्कि उनकी मृत्यु है, क्योंकि मृत्यु के द्वारा ही प्रभु येसु हमें बचाए। उस मृत्यु को ही संधियोगन उस घड़ी के रूप में प्रस्तुत करते हैं। और यहां इस घटना में, आज के इस सुसमाचार में जो घटना हमारे सामने रखी गई है, इसमें हम देखते हैं कि प्रभु येसु विश्राम दिवस में चंगा करते हैं। विश्राम दिवस में कोई काम करना नहीं था, कोई भी काम नहीं कर सकते थे लोग। जैसे कोई भी काम करता हुआ पाया जाता था उसको दंड दिया जाता था, और यदि बार बार उसी को उन लोग दोहराते थे उसको मार डालते थे। इस संदर्भ में हम देखते हैं प्रभु येसु बहुत सारे चमत्कारों को विश्राम दिवस में किए, जानबूझकर किए, उनको गुस्सा दिलाने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें शिक्षा देने के लिए। ईश्वर के लिए कोई भी दिन शुभ और अशुभ नहीं होता है, कोई भी निर्धारित दिन ऐसा नहीं है, बल्कि ये जो विश्राम दिवस है वो विशेष दिन है, वो ईश्वर का दिन है। उस दिन को पवित्र रखना है। उस दिन में जरूर काम नहीं करना चाहिए, लेकिन उस दिन में हमें जीवन पाने के लिए ईश्वर के समीप जाना जरूरी है। आइए अब हम उस घटना के अंदर हम जाएं। हमारी साधना के संदर्भ में ईश्वर के साथ हमारे संबंध के साथ विशेष रूप से शरीर के महत्व को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। हम प्रभु येसु के बहुत सारे चमत्कारों को पवित्र बाइबल में देख सकते हैं। बहुत कम वे किसी को स्पर्श करके चंगा करते थे, बहुत कम। बहुत जगहों पर लिखा हुआ है, लेकिन बहुत सारे ऐसे चमत्कार हैं जहां प्रभु येसु बोले और सब हो गया, क्योंकि वे ईश्वर हैं, उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं थी। वो केवल सोचते थे या शब्द बोलते थे और वो हो जाता था। लेकिन यहां हम ऐसे एक चमत्कार को देखते हैं जहां हम प्रभु येसु अपने तूक से मिट्टी सनाकर उसके द्वारा एक व्यक्ति को दृष्टिदान देते हैं। इसके पहले भी बहुत सारे अंधों को वे दृष्टिदान दे चुके थे,
लेकिन कहीं भी हम ऐसे करते नहीं देखते हैं। वो भी प्रभु यीशु अपने थूक से ऐसे करते हैं, केवल स्पर्श नहीं करते। क्यों? एक महत्वपूर्ण शिक्षा इसके द्वारा प्रभु यीशु हमें देना चाहते हैं। वास्तव में इसकी जरूरत नहीं थी जैसे हम देख रहे हैं, लेकिन जैसे आज के समय में भी शायद कम होगा, जब हम बच्चे थे हम खेलते समय गिर जाते थे तो हम क्या करते थे? हम अपने थूक अपने पैरों पर या अपने घावों पर लगा देते थे। क्यों? थूक चंगाई का एक दवाई के रूप में देखा जाता था, उसमें दवाई की शक्ति थी या है, इसलिए लोग थूक लगाकर पहले किया करते थे। आज भी गांवों में करते होंगे, लेकिन शहरों में शायद, क्योंकि अभी बीमारियां भी इसके द्वारा फैलती हैं तो बहुत लोग डर जाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु अपनी थूक से उस व्यक्ति को चंगाई प्रदान करते हैं। इसमें बहुत सारी बातें छुपी हैं। सबसे पहले, जैसे प्रारंभ में मैंने कहा, हमारा शरीर, हम शारीरिक प्राणी हैं, हम आत्मा नहीं है, और केवल हमारी आत्मा स्वर्ग नहीं जाएगी। हमारे चर्चेस में और हम बहुत सारे लोग हम प्रार्थना करते हैं, हम आत्माओं के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं, हम व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, हम मृत लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, मृत लोगों की आत्मा के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं। वास्तव में ये पवित्र बाइबल पर आधारित शिक्षा नहीं है। पवित्र बाइबल के अनुसार एक व्यक्ति शारीरिक प्राणी है, उसने शरीर है, आत्मा है, वो एक व्यक्ति है, वो एक अटूट संबंध है उसके बीच में। तो हम सोचेंगे कि तो फिर मृत्यु के समय तो शरीर नष्ट हो जाता है फादर जी? नहीं, वो हमारी दृष्टि में, हम दोबारा मिट्टी में कोत के देखते हैं तो वो सब नहीं दिखता है। अब इस बात को समझने के लिए कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 15 पढ़िए, पुनरुत्थान के बारे में। और हम हमारे विश्वास के प्रकटीकरण में भी हम इसी बात पर जोर देते हैं कि हम शरीर के पुनरुत्थान में विश्वास करते हैं। क्या आप विश्वास करते हैं कि नहीं करते? मैं तो करता हूं। मां मरियम शरीर सहित स्वर्ग में उठा ली गई, उनके पहले और एनोक और एलिशा नबी भी उठा लिए गए थे। प्रभु यीशु स्वयं अपने शरीर के साथ स्वर्ग गए, अपने शरीर को छोड़कर नहीं गए, वो शरीर सहित पुनर्जीवित हुए थे। वो एक प्रमाण है हमारे लिए कि हम भी ऐसे ही पुनर्जीवित कर लिए जाएंगे। और इसी कारण ईश्वर शरीर धारण कर हमारे बीच में आए। शरीर पाप नहीं है। हम सामान्य रूप से शरीर और पाप को एक साथ लेते हैं। शरीर जब बाइबल कहती है कि वो पाप का माध्यम या कारण बनता है, उसका जो पृष्ठभूमि है या जो बैकग्राउंड है, संदर्भ है, उसको हमें समझने की जरूरत है। अन्यथा शरीर पाप नहीं है, शरीर पवित्र है, ईश्वर ने इसको बनाया है, अपने हाथों से बनाया है। आपका शरीर भी, मेरे शरीर को भी, हमें स्वयं ईश्वर हमारी मां के गर्भ में रूप दिए हैं अपने हाथों से। इसलिए स्वयं ईश्वर शरीर धारण कर हमारे बीच में आए। और इस घटना के द्वारा, इस चमत्कार के द्वारा प्रभु यीशु इस बात को और भी आगे ले जाते हैं। वो थूकते हैं, उस थूक के माध्यम से मिट्टी सनाकर उस व्यक्ति की आंखों में लगाते हैं, वो उस व्यक्ति को पूर्ण रूप से चंगा करते हैं, उसके शरीर को चंगा करते हैं, उसकी आत्मा को चंगाई देते हैं। और हम देखते हैं वो व्यक्ति जाता है, वो भेजा जाता है, सिलोआम, भेजा जाना, प्रेषित, वो जाता है, नहाता है और देखने लगता है। इसमें हम उस व्यक्ति के विश्वास को भी देख सकते हैं। वो क्या करता था? भीख मांगने वाला एक भिखारी था। वो पहले हमें नहीं बताया गया था, बाद में उसको देखकर लोग कहते हैं, अरे ये तो पहले भीख मांगता था। देखिए संदर्भ को, वो भिखारी था, उसके अपने लोग उसको त्याग दिए थे, वो अपना जीवन दूसरों के दया पर निर्भर रहकर बिताया करता था, उसकी जिंदगी लोगों के लिए एक बोझ बन गई थी। उस व्यक्ति को प्रभु खोज कर निकालते हैं, उसके जीवन में प्रवेश करते हैं, उसके पास जाते हैं, ना केवल अपने स्पर्श से बल्कि अपने थूक से उसको दृष्टिदान देते हैं। यहां हम देखते हैं प्रभु यीशु इसको एक बहुत ही पर्सनल बनाते हैं, बहुत ही व्यक्तिगत कार्य बना लेते हैं, बहुत ही निकट आते हैं, बहुत ही पर्सनल है ये, बहुत ज्यादा पर्सनल। हम अन्यथा किसी के ऊपर थूक नहीं लगा सकते। आप थूक लगा के देखिए पड़ोसी को, आपको अंदर कर देगा। हम अपनों पर ही ये कर सकते हैं।
तो ईश्वर सबसे पहले, प्रभु यीशु सबसे पहले उस व्यक्ति पर इस बात को प्रकट करते हैं, तुम मेरे लिए प्रिय हो, तुम मेरे अपने हो, मैं तुम्हारा अपना हूं। हम हर एक ईश्वर के लिए उनके अपने हैं, हम उनके लिए विशेष हैं। हमारा ईश्वर के साथ एक घनिष्ठ संबंध, एक अटूट संबंध है, और वो संबंध इस शरीर से भी जुड़ा है। केवल आत्मा से नहीं, हमारा ईश्वर के साथ संबंध शरीर से भी जुड़ा है। इसलिए प्रभु यीशु शरीर धारण कर हमारे बीच में निवास करते हैं। अब हम अपने जीवन में प्रवेश करें। जिस प्रकार प्रभु यीशु उस व्यक्ति के जीवन में प्रवेश करके उसको अपनापन का अनुभव कराते हैं, उसको दृष्टिदान देते हैं, उसी प्रकार हम सभी भी अंधे हैं। किस चीज के अंधे हैं? हम ईश्वरीय रहस्यों के लिए हम अंधे हैं। हम हमारे जीवन में ईश्वर की उपस्थिति को पहचान नहीं कर पा रहे हैं, हम ईश्वर के कार्यों को पहचान नहीं कर पा रहे हैं, जैसे उन फरिसियों ने पहचान नहीं कर पाया था। उन्होंने प्रभु को देखा, उनके कार्यों को देखा, उनके चमत्कारों को देखा, लेकिन वे वास्तव में अंधे थे। अंधे थे क्यों? किस रूप में अंधे? उनकी आंखें थी लेकिन उनमें विश्वास नहीं था। देखने के लिए केवल आंख पर्याप्त नहीं है, हमें एक विशेष चीज की जरूरत है। क्या है? रोशनी, ज्योति। वो ज्योति है विश्वास। उस विश्वास के बिना हम ईश्वर के रहस्यों को, ईश्वरीय कार्यों को हम नहीं देख पाएंगे, हम समझ नहीं पाएंगे। ईश्वर उस व्यक्ति को ना केवल शारीरिक दृष्टिदान देते हैं, बल्कि आत्मिक दृष्टिदान देते हैं, उसे विश्वास का वरदान देते हैं। उस विश्वास की दृष्टि से वो देख पाया। वो अंध में क्या कहता है? वो नबी है। उन लोग उससे पूछे, तुम उसके बारे में क्या कहना चाहते हो? वो प्रभु को देखा नहीं था शारीरिक रूप से, वो अंधा था। इस पाठ को हम आगे पढ़ेंगे, इस घटना को, तब हम देखेंगे कि वो प्रभु से मिलता है। प्रभु यीशु स्वयं उसको बताते हैं, पाप मत करना। तो यहां हम देखते हैं कि प्रभु यीशु उसको दृष्टिदान के साथ साथ विश्वास का वरदान देते हैं। क्या हम अंधे हैं या हम देख पाते हैं? देखना, ईश्वर के कार्यों को देखना, ईश्वर की उपस्थिति को देखना, हर चीज में हमें प्रभु यीशु अपनी शिक्षा में और अन्य पुस्तकों में भी हम देख सकते हैं कि इस दुनिया में जो कुछ घटित होता है, विशेष रूप से सृष्टि से संबंधित, नेचर से संबंधित, प्रभु यीशु कहते हैं ये सब मेरे पिता देख रेख करता है। चिड़ियाओं को देखो, वो तो आज हैं, जीवित हैं, मर जाती हैं, किसी को पता भी नहीं कि वो जीवित थी, लेकिन प्रभु कहते हैं उसको भी खिलाने वाला तुम्हारा पिता है। घास भूस को देखो, आज हैं, कल नहीं है, मुरझा जाते हैं, मर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, कोई उसकी चिंता नहीं करता, लेकिन तुम्हारा पिता उनको पहनाता है। भैया, वो तुम्हारा पिता, तुम्हारा ईश्वर ये सब कार्य करता है, लेकिन हम ईश्वर के कार्यों को, ईश्वर की उपस्थिति को हम पहचान नहीं पाते हैं। हम अंधे हैं, आप और मैं अंधे हैं, हम देख नहीं पाते हैं। आज वही प्रभु हमारे जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं, हमारी आंखों को वे स्पर्श करना चाहते हैं, इस शारीरिक आंखों को केवल नहीं, आत्मिक आंखों को हमें दृष्टिदान देना चाहते हैं, हमें विश्वास का वरदान देना चाहते हैं, जिसके माध्यम से ही, जिसकी सहायता से ही हम वास्तव में ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं, उनका स्पर्श का अनुभव कर सकते हैं। अन्यथा प्रभु येसु को बहुत सारे लोग स्पर्श किए, भीड़ की भीड़ उनके ऊपर गिर पड़ती थी, लेकिन उस महिला ने प्रभु का स्पर्श किया, उनके कपड़े के पल्ले को केवल छुई और चंगी हो गई। उन्होंने पहचाना ईश्वर को, ईश्वर की उपस्थिति को पहचाना। आज वही ईश्वर हमें भी चंगाई देते हैं संस्कारों के द्वारा। हम कितने विश्वास के साथ संस्कारों में भाग लेते हैं? क्या आप और मैं प्रभु येसु की उपस्थिति को संस्कारों के द्वारा अनुभव करते हैं, देख पाते हैं? बपतिस्मा संस्कार में हो, मेल मिलाप संस्कार में हो, जहां पुरोहित के द्वारा प्रभु यीशु कार्य करते हैं, पुरोहित वहां एक माध्यम है, पुरोहित के द्वारा कार्य करने वाला स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु यीशु अपनी व्यक्तिगत उपस्थिति को, पूर्ण उपस्थिति को उस पुरोहित के द्वारा वहां दर्शाते हैं, वहां प्रकट करते हैं। वही ईश्वर आज हर क्षण हर पल हमारे जीवन को स्पर्श करके हमारे साथ चलना चाहते हैं, हमारे सुख दुख के सहभागी बनाना चाहते हैं। हम इन बातों पर मनन करें, इन महान रहस्यों को अपने अंदर जाने दें, अपने हृदय में घर करने दें।
हम मनन करें इन बातों पर। हमारे शरीर को हम ईश्वर के मंदिर के रूप में देखें, वचन कहता है। संत पौलुस रोमियों के लिखते हुए अपने पहला पत्र में दो बार दोहराते हैं, अध्याय 3 और अध्याय 6 में, कि हमारा शरीर ईश्वर का मंदिर है, ईश्वर इसमें निवास करते हैं, जो उनका मंदिर है। हम अपने शरीर को पवित्रता के साथ जीने और ईश्वर के मंदिर के रूप में देखने का प्रयास करें, और हमारे जीवन से जुड़ी हर बात पर ईश्वर की उपस्थिति को हम देखें। इस सारी सृष्टि में, दूसरों में भी हमें ईश्वर को देखना, ईश्वर की उपस्थिति को देखना अनिवार्य है। आइए हम मनन करें। हम साधना के दूसरे चरण में प्रवेश करते हैं, प्रत्युत्तर। हे प्रभु येसु, मैं बहुत बार इन संस्कारों को, जिनकी स्थापना तूने की और पवित्र कलीसिया को सौंपा है, मैं इनका अनादर करता हूं। मैं इनका वास्तविक अर्थ नहीं समझ पाता हूं। मैं इनका पूरा पूरा लाभ नहीं उठा पाता हूं। हे प्रभु, तू इतना नम्र और इतना विनीत होकर हमारे बीच में निवास किया और आज भी है। तू अपनी कृपादानों को मेरे ऊपर उढ़ेल देना चाहता है, हमारे ऊपर उढ़ेल देना चाहता है। तू चिन्ह चमत्कार के द्वारा मेरे जीवन में कार्य करता है, ताकि मैं तुझे पहचान सकूं, ताकि मैं तुझे समझ सकूं। हे प्रभु, मैं तेरे इन कार्यों के लिए मैं तुझे धन्यवाद देते हुए जीना चाहता हूं। मैं इन पर ध्यान लगाकर, मन लगाकर, मां मरियम के समान मनन करते हुए जीना चाहता हूं। मैं इन्हें तेरे कार्यों के रूप में देखना चाहता हूं, तेरी उपस्थिति को उनमें और उनके द्वारा मैं पहचानना, अनुभव करना चाहता हूं। प्रभु, मेरी आंखों को भी स्पर्श कर, मुझे भी दृष्टिदान दे, मैं भी देखना चाहता हूं। प्रभु, तेरी उपस्थिति का अनुभव करना चाहता हूं, देखना चाहता हूं, विश्वास में आगे बढ़ना चाहता हूं, मेरी सहायता कर। आई हम भी अपने अपने मन में जो बातें उठ रही हैं, उन सबको प्रभु पर प्रकट करें। हम तीसरे चरण में प्रवेश करते हैं। हे प्रभु, मुझे कृपा दे कि मैं तेरे महान कार्यों को, तेरी शक्तिमता और तेरी महिमा का मैं सदा मनन करता हुआ अपना जीवन जी सकूं। हे प्रभु, ये सारी दुनिया तूने हमारे लिए, हमारे घर के रूप में हमें बनाकर दिया है, मैं इसका देखरेख कर सकूं। तूने अपने वचन में इसके द्वारा अपने आप को प्रकट करने के रूप में तू हमें शिक्षा दी है, हमें बताया है, मैं कृपा दे। मैं सदा तेरी उपस्थिति में रहना चाहता हूं, जैसे संतों ने अपना जीवन जिया। वे अपने जीवन के हर मोड़ पर, हर परिस्थिति में, हर क्षण, हर पल तेरी उपस्थिति का अनुभव किए, तेरी उपस्थिति में ही वे अपना जीवन जिए। हमारी भी सहायता कर। तो प्रभु, मैं तेरी आवाज सुनना सीखना चाहता हूं, मैं तेरी आवाज पहचान सकूं, तेरी आवाज सुनकर मैं तेरे पास आ सकूं। हे प्रभु, मैं उन पर फरिसियों के समान ना बन जाऊं, मैं शक करने वाला ना बनूं, बल्कि विश्वासी बनूं। मैं तू जो चाहता है मेरे साथ रहने का, मेरे जीवन में व्यक्तिगत रूप से प्रवेश करके मेरे साथ जीने का, मैं तेरी इस इच्छा को मैं पहचान सकूं और इस महान वरदान के अनुसार अपना जीवन यापन कर सकूं, मेरी सहायता कर। आइए आप भी अपने मन में जो बातें उठ रही हैं, उन सबको प्रभु पर प्रकट करिए। आइए हम साधना के चौथे चरण में प्रवेश करते हैं, निर्णय और संकल्प लेने का समय। आज के साधना के द्वारा हम बहुत सारे निर्णयों को हम ले सकते हैं। सबसे पहले अपने शरीर को पवित्र रखने का, अपने शरीर को ईश्वर के मंदिर के रूप में देखने का, उसी प्रकार दूसरों के शरीर को भी ईश्वर के मंदिर के रूप में देखकर, ईश्वर की उपस्थिति के रूप में देखकर उनके शरीर का भी आदर सम्मान करना, दूसरे के शरीर को गलत तरीके से, गलत रीति से नहीं देखना, अपना शरीर का ख्याल रखना, क्योंकि ईश्वर का मंदिर है, ईश्वर ने कहा है। साथ ही इस सच्चाई को हमेशा ध्यान में रखना है कि हम इसी शरीर के साथ पुनर्जीवित किए जाएंगे। इसी शरीर का मतलब, जैसे हम, यह शरीर वास्तव में नष्ट होता है, लेकिन
इसका रूपांतरण होता है। इसके बारे में ही मैंने जैसे कहा, कुरिंथियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 15 पूरा पढ़िए। संत पौलुस इसको बहुत सुंदर रीति से इसकी व्याख्या करते हैं, इसके बारे में हमें शिक्षा देते हैं, उसको भी सीखिएगा। साथ ही हमें सारी सृष्टि में ईश्वर की उपस्थिति को पहचानने सीखना, दूसरों के जीवन में ईश्वर की उपस्थिति का, ईश्वर के कार्यों को पहचानने सीखना, इनके साथ साथ और भी बहुत सारी बातें आपके मन में उठी हैं, आपके व्यक्तिगत जीवन से संबंधित हैं, उन पर भी आप जरूर मनन करिए, मूल्यांकन करिए और निर्णय लीजिए, संकल्प लीजिए। विशेष रूप से पवित्र संस्कारों को उचित आदर सम्मान और प्रयोग करने का भी निर्णय लीजिए। आइए हम प्रार्थना करें। हे परम पावन दयालु पिता, हम तेरी उपस्थिति के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। आज के इस महान रहस्य के लिए, महान अनुभव के लिए, महान अवसर के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, जब तू हमें एकत्रित करके अपने रहस्यों को हम पर प्रकट किया है। मेरे पिता, हमें कृपा दीजिए कि हम इन बातों को अपने दिल में संजोय रखकर इस पर आधारित जीवन जी सके। हे पवित्र आत्मा, हमारा सहायक, हमारे साथ रहकर हमें संभालने की कृपा करिए। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, आज जो भी बातें, जो भी शिक्षा तूने हमें प्रदान की है, इनके अनुसार हम जीवन यापन कर सके। विशेष रूप से पवित्र संस्कारों के द्वारा, पवित्र संस्कारों में हम तेरी उपस्थिति का अनुभव कर सके, तेरे कार्यों को पहचान सके। एक हमारी प्यारी मां मरियम, सभी संतों, स्वर्गदूतों, हमारी सहायता कीजिए, हमारे लिए प्रार्थना करिए। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। अपने शरीर में ही ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव करते हुए, ईश्वर के सच्चे मंदिर, ईश्वर की सच्ची उपस्थिति बनकर इस जीवन में आगे बढ़ते हुए आनंद के राह पर जीने की कृपा ईश्वर आप सबों को प्रदान करें।